हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इसमें हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर क्या होता है इसकी जरूरत क्यों होती है और उसके बाद हम एक ब्लॉक डायग्राम से देखेंगे कि ये कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं या एक स्ट्रक्चर जो होता है कंप्यूटर का वो कैसा होता है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को इसमें एबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने की अगर कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो उसकी और अगर डेटा रिट्रीव करना है तो इस सब की एक कैपेबिलिटी एक एबिलिटी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास अब बात करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है या हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर हमारा जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ही फास्टली कर देता है अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करिए आप मुझे इसको इस नंबर को कुछ इस एक नंबर से मल्टीप्लाई करके बताइए तो आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप वैदिक मैथ्स भी जानते हैं तो एटलीस्ट आप इसको एक मिनट में तो सॉल्व कर पाएंगे उसके पहले तो नहीं और अगर मेरे जैसे हैं जिसको मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो उसमें थोड़ा एक दो मिनट लग जाएगा लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तो वो एक मशीन है वो ऐसे या इससे भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में सॉल्व कर देती है तो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल हम फास्टर कैलकुलेशन के लिए करते हैं और क्या होता है इसमें तो इसमें होती है एक्यूरेसी अब होता क्या है अगर आप इस प्रॉब्लम को या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को मैन्युअली सॉल्व करते हो तो हम श्योर नहीं रहते कि हमने जो भी आउटपुट जनरेट किया है या हमने जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाला है वो सही है या नहीं हम एक बार रीचेक ज़रूर करते हैं आप भी जब हमारे पेपर देने जाते हैं अपने तो आपने देखा होगा कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है और आप उसको मैनुअली करते हो तो आप रीचेक करते हो एक बार तो वहां पर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ह्यूमन के साथ होती है लेकिन क्योंकि एक कंप्यूटर मशीन होती है तो मशीन में कोई भी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं आती जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो एकदम एक्यूरेट और प्रेसीजन के साथ होता है अनलेस और अंटिल अगर ह्यूमन ने ही एरर ना की हो मतलब इंस्ट्रक्शन ही गलत ना दी हो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में हमेशा रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट और प्रेसीजन के साथ आएगा नेक्स्ट जो एडवांटेज है एक सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने का वो होता है स्टोरेज एक कंप्यूटर सिस्टम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है तो जो थर्ड रीजन है हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो है स्टोरेज का यहाँ पर हम एक लॉन्ग टाइम तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं अनलेस और अनटिल जहां हमने स्टोर किया है या जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं वो क्रैश ना हो जाए या फिर हम ही ने उसको डिलीट ना कर दिया हो तब तक वहां पे हमेशा स्टोर रहती है तो चलिए अब बात करते हैं ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं बेसिक कंप्यूटर जो है या डेस्कटॉप कंप्यूटर हम कहाँ देखते हैं तो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो हम नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे स्कूल्स में इस्तेमाल होते हैं हम उनको ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उनको घर में इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये जो बेसिक कंप्यूटर है ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं और हम यहाँ पे इनको, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाने के लिए एक जो कंप्यूटर होता है उसमें तीन चीजें होती हैं सबसे पहले हम डेटा को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंसर्ट करवाते हैं या इनपुट करवाते हैं कुछ डिवाइसेस होते हैं उनकी हेल्प से उसके बाद उस डेटा पे होती है Processing, मतलब जो भी डेटा इनपुट किया गया है, अगर उसमें कुछ मैन्युपुलेशन या कैलकुलेशन करवानी है तो प्रोसेसिंग हमारी मैनुपुलेशन एंड कैलकुलेशन कहलाती है एक बार जब ये इनपुट डेटा प्रोसेस हो जाता है तो हमको मिलता है एक आउटपुट तो इस तरीके का एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अब अगर मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताऊं एक कंप्यूटर सिस्टम का या जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम भी बोल सकते हैं तो देख लेते हैं कैसा दिखता है यहां मैंने क्या बताया हम देंगे इनपुट तो यहां जाता है इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस उसके बाद हमारे पास होती है एक प्रोसेसिंग यूनिट इस प्रोसेसिंग यूनिट को एक्चुअली हम सीपीयू भी बोलते हैं इस सीपीओ में हमारे फर्दर कुछ चीजें होती हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे यहाँ पे होता है ए एल यू देन सी यू और कुछ कंप्यूटर कुछ सीपीयू के रजिस्टर्स भी होते हैं तो यहाँ पे हमारे रजिस्टर्स इन सब को हम आगे आने वाले में में डिस्कस करने वाले हैं बस यहाँ एक जर्नल आइडिया ले रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का वो कैसा होता है ये प्रोसेसिंग यूनिट इन सारे कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक आउटपुट को जनरेट करेगी तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है हमको आउटपुट और ये हमारा होता है रिजल्ट ये रॉ डेटा होता है रॉ डेटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का हमने जाना एक कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर की नीड क्यों होती है क्यों करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल और हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे और एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हमने स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम को समझा